गाइज, मारुति सुजुकी अल्टो एक ऐसी गाड़ी है जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली थी। और ये गाड़ी स्टार्टिंग जो थी कि करीब 2005 में लॉन्चिंग हुई थी, तब ये गाड़ी 2.5 लाख रुपए की समथिंग स्टार्ट हुई थी। और बाद में इस गाड़ी में कई सारी मॉडिफिकेशन करने के बाद में ये गाड़ी की रेट बढ़ा करके करीब आज तो टॉप मॉडल इसका बात करें तो करीब 6 लाख रुपये का आ रहा। लेकिन दोस्तों, जो आप इमेज में देख पा रहे हो सामने, ये गाड़ी तो बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दी गई है। लेकिन बाद में इन्होंने कुछ अलग तरीके से कुछ इसका फेसलिफ्ट निकाला जो कि आपके सामने है, ये वाली गाड़ी निकाली। लेकिन इसको भी कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम बाद में बंद कर दिया। अब दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल नई गाड़ी अल्टो K10 वापस से आ रही है जो कि आपके सामने है ये गाड़ी। और ये गाड़ी का इसका जो मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, बिल्कुल फेसलिफ्ट बिल्कुल नया तरीके का आने वाला है। इसी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये मानो कि ये ऐसी गाड़ी है जो मिडिल फैमिली के पास ही मिलेगी, रिच लोगों के पास में मिलेगी, और पुअर फैमिली जी हर तरह के बंदे के पास में ये गाड़ी मिल जाएगी। क्योंकि छोटी होने के साथ साथ कहीं पर भी इसको आराम से निकाल सकते हो, कोई भी आपको समस्या ये गाड़ी नहीं देने वाली। गाइज, अल्टो का जो नया वर्जन आया है उसकी हम बात करते हैं डिटेल वाइज। आपके सामने जो देख पा रहे होंगे सिल्वर कलर में है, लेकिन दोस्तों इसमें 6-7 कलर इसमें आने वाले जो कि बहुत प्यारे होंगे। और साइड वाइज देखें तो इस गाड़ी का हल्का सा लुक मुझे जो पहले वाली गाड़ी थी उसके जैसा लग रहा। लेकिन ये गाड़ी अगर मार्केट में निकलेगी जब जस्ट लॉन्चिंग होगी, तो ये गाड़ी ज़रूर कहीं ना कहीं वैगनार का मार्केट पीटेगी। देन उसके बाद में स्विफ्ट तक भी ये गाड़ी चली जाएगी। क्योंकि इसके इंजन वगैरह की बात करें तो इसमें इंजन 1.0 इंजन इसमें आने वाला, जो कि बढ़िया बात होने वाली। पहले व्हील से लेकर के इसमें कहीं सारे जो फंक्शन जो आप स्विफ्ट डिजायर में देखते हो, स्विफ्ट VDI में देखते हो, स्विफ्ट VXI में देखते हो, या फिर वैगनार में जितनी भी गाड़ियों में देखते हो ना, वो सब फंक्शन आपको इस अल्टो K10 में मिलने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने अल्टो का वीडियो डाला है और दोनों गाड़ियाँ सेम साइड टाइम पर ही लॉन्च होने वाली है। हो सकता है कि ये दीपावली तक लॉन्च हो जाए 2-4 महीनों में, या नेक्स्ट मंथ में ये गाड़ी लॉन्च हो जाए। जो भी शानदार तरीके की गाड़ी कहीं समय से इसका PVC शूट चल रहा है, उसी की चीज़ें यहाँ पर लीकेज हो रही है, और इन्हीं के आधार पर हम आपको वीडियो बता रहे हैं। एंड दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस गाड़ी का जो लुक्स है हकीकत में सेलेरियो के जैसा है, बट उसमें कहीं ना कहीं इतना कुछ चेंजेस किया गया है कि इसका गाड़ी को जो प्यारा सा लुक है ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें जो इसका कलर निकाला इसमें इस बार इन्होंने ब्लू कलर, शानदार कलर लग रहा है। अगर इसकी पूरी कस्टमाइज होने के बाद में इसे क्रोम वगैरह आप देख पा रहे हो सामने, कितनी जगह पर इसका क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। ये क्रोम आपको कंपनी में भी लगा करके देंगे, साथ ही आफ्टर मार्केट भी आप इसमें लगवा सकते हो। फ्रंट की तरफ से आप देखो तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलने वाले हैं, और छोटा सा प्यारा सा सुजुकी का लोगो मिलने वाला है। पीछे की तरफ आप इसमें कोई किसी तरह की आपको बेजिंग वगैरह नहीं मिलेगी। साइड में से आप देखो तो इसमें 4 वेरिएंट आपको इसमें मिलने वाला है। पहला स्टैंडर्ड, LXI, VXI, VXI और VXI प्लस, चारों इसमें होंगे। देन उसके बाद में पीछे की तरफ आप देखोगे तो साइड में से भी आप गाड़ी का कुछ लुक किस तरह से देख सकते हो। पीछे का जो बम्पर है उसको थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप का दिया हुआ, सेम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इसे बलेनो का इसमें टेल लैंप्स जोड़े गए हो सेम ऐसे के जैसे। बट ये कह सकते हो कि गाड़ी का जो लुक है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। एंड उसके बाद में जो भी चीज़ें होगी कम्प्लीटली आप देख पा रहे होंगे सामने, जो भी है पीछे की तरफ आप देख सकते हो कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। एंड इसका जो बूट स्पेस वगैरह वो भी है। इंटीरियर में देखो तो इंटीरियर में आपको इसमें 7 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है, जो कि स्मार्ट प्ले जो सिस्टम आता है वो कि जो 7 इंच का होने वाला है। देन इसके बाद में जो बेलनो और जो इस वक्त नई गाड़ियों में जो आ रहा है वो आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम, टच वाला म्यूजिक सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है। स्टेयरिंग भी सेम बढ़िया वाली स्टेयरिंग इसमें मिल रही है, पूरा का पूरा ब्लैक ड्यूल कलर में इसमें, जो कह सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड नहीं है। साथ ही जिसमें म्यूजिक सिस्टम के साइड में हल्की सी सिल्वर कलर की फिनिशिंग इसमें दी हुई है, जो बहुत प्यारी लग रही है। दोस्तों, ये कुछ गाड़ी का रिव्यू था। एंड दोस्तों, इसमें कलर्स की बात करें तो इसमें आपको 6-7 कलर इस गाड़ी में मिलने वाले, ब्लैक, वाइट और सिल्वर, रेड, ऐसे करके 4-5 कलर इसमें मिलेंगे जो बहुत बढ़िया होंगे। एंड दोस्तों, इसमें फ्रंट में से भी आप देख सकते हो तो इसकी जो क्रोम फिनिशिंग लग रही है वो प्यारी लग रही है। और ये गाड़ी लॉन्चिंग हो चुकी है, मान लो कि जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि HR 26, तो उस हिसाब से ये कह सकते हो कि गाड़ी का कहीं ना कहीं PVC शूट हुआ है, जो उस हिसाब से ये गाड़ी आपको तभी तो मार्केट में आपको देखने को मिली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।